नमस्कार, मैं सिद्धांत पुरुथी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूं। तो आज डिस्कशन करने वाले हैं, जानने वाले हैं बेसिकली 12 स्वरों के रियाज के बारे में। सुर लिया, सारे गा, स्वर लिए, तीन नोट्स, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले इसको शुद्ध में गाएंगे और फिर देखते हैं कि ये सारे गा में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। कभी कोमल लगा के देखेंगे रे को, कभी ग को कोमल लगा के देखेंगे, कभी शुद्ध रे के साथ कोमल गा लगाएंगे, तो कभी कोमल रे के साथ शुद्ध गा का कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे। तो वो देखना कैसे होगा। अभी मैं हर एक स्वर जो शुद्ध बोलूंगा उसको शुद्ध, एक्चुअल में शुद्ध बोलूंगा, जब कोमल गाऊंगा तो कोमल बोलूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से पहचान पाए। देखिए अभी तो शुद्ध है, सा शुद्ध रे शुद्ध गा। अभी अगर मैं इस गा को कोमल करूं, रे शुद्ध ही रखूं, तो सा सा शुद्ध रे कोमल गा हुआ। अभी रे भी कोमल करूंगा, सा कोमल रे कोमल गा। अभी और क्या हो सकता है, सा कोमल रे शुद्ध गा। तो क्या क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, है ना। तो सा शुद्ध रे शुद्ध गा, सा शुद्ध रे कोमल गा, सा कोमल रे शुद्ध गा, सा कोमल रे कोमल गा। तो सारे गा सारे गा सारे गा सारे गा। दिमाग घुमाने वाला रियाज है ना एक्चुअल में। अब ऐसे ही सारे गा में किया तो भी रे गा में एक बार करके देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। देखिए बड़ा मजा आता है। तो शुद्ध रे शुद्ध गा शुद्ध मा, उसके बाद तो शुद्ध रे कोमल गा शुद्ध मा, शुद्ध रे शुद्ध गा तीव्र मा, शुद्ध रे कोमल गा तीव्र मा, कोमल रे शुद्ध गा शुद्ध मा, कोमल रे शुद्ध गा शुद्ध तीव्र मा, कोमल रे कोमल गा शुद्ध मा, कोमल रे कोमल गा तीव्र मा। कितने सारे कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये बहुत सोचने और समझने वाली बात है, बिल्कुल मजाक वाला रियाज नहीं है। अगर एक साथ गाऊंगा तो रे गा मा 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 मा मा। हाँ, तो कितनी सारी चीज हो रही है अगर इन सबको एक साथ गाऊंगा। वैसे एक साथ पलटा बनाकर गाने की जरूरत नहीं है, ये आपकी सिर्फ समझ बढ़ाने के लिए रियाज है बेसिकली, ताकि आप पहचान पाए अलग अलग कॉम्बिनेशन, कौन से कोमल के बाद कौन सा शुद्ध अच्छा लग रहा है। इससे आपको बेसिकली क्या होगा, पहचान हो जाएगी। तो आप कोई भी जब राग सीखते हैं तो राग सीखने में डर जो है ना, वो सबसे ज्यादा यही होता है कि अभी तो शुद्ध गा रहे थे, अभी यमन गाएंगे तो पता नहीं भूचाल आ जाएगा, भैरव गा देंगे तो किसी ने हमला ही कर दिया हो, ऐसी बात हो जाती है। तो ये रियाज करने से सब कुछ आसान हो जाता है। मुश्किल है, अभी ये बहुत मुश्किल रियाज करने के बाद ही सब कुछ आसान होता है, आसान रियाज करने से आसान नहीं होता। तो देखिए सा सा शुद्ध रे शुद्ध गा, सा शुद्ध रे कोमल गा, सा कोमल रे शुद्ध गा, सा कोमल रे कोमल गा। ऐसा गाऊंगा तो सारे गा सारे गा सारे गा सारे गा, रे शुद्ध गा कोमल गा रे सॉरी रे शुद्ध रे शुद्ध गा शुद्ध मा, शुद्ध रे शुद्ध गा तीव्र मा। अभी तो ये बता दिया तो अभी डायरेक्ट गाता हूँ, रे गा मा 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 रे गा मा। अभी गा मा पा में देखिए, शुद्ध गा शुद्ध मा पा, शुद्ध गा तीव्र मा पा, कोमल गा शुद्ध मा पा, कोमल गा तीव्र मा पा। तो गामा पा गामा पा गामा पा गामा पा, कितना खूबसूरत लगता है ना, मजेदार है। तो देखिए सारे गा सारे गा सारे गा सारे गा, रे गामा 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 रे गामा, गामा पा गामा पा गामा पा गामा पा। उसके बाद मापा धा, पता नहीं क्या क्या होगा, शुद्ध मापा शुद्ध धा, तो शुद्ध मापा कोमल धा भी हो सकता है,
तो तीव्र मा पा शुद्ध धा हो सकता है, तीव्र मा पा कोमल धा हो सकता है, तो मा पा धा मा पा धा मा पा धा मा पा धा। कितना जबरदस्त है। सरे गा सरे गा सरे गा सरे गा रे गा मा रे गा मा रे गा मा रे गा मा रे रे गा मा रे गा मा रे गा मा रे गा मा गा मा पा 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 मा पा धा मा पा धा मा पा धा मा पा धा मा पा धा। पधनी पधनी अगर हुआ तो पधनी हो सकता है, फिर पधनी हो सकता है, फिर पधनी हो सकता है। अभी तीन तीन में बनाया, अभी चार हो सकता है सारे गामा। तो उसमें देखिए कि कॉम्बिनेशंस बनते चले जाएंगे, आप थक जाएंगे। समंदर है संगीत, आप जानते हैं। सारे गामा में रियाज कीजिए। सारे गामा हुआ तो फिर सारे गामा हुआ फिर सारे गामा हो सकता है, 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 सारे गामा हो सकता है। ऐसे फिर सारे गामा पा 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 सारे गामा सारे गामा पा। कितना बनाएंगे। उसके बाद सारे गामा पाधा में देखिए कितने पॉसिबिलिटीज एक साथ हो सकती है। सारे गामा पाधा नहीं में देखिए, पूरे सारे गामा पाधा नहीं में देखिए, 10 के 10 थाट मांझ के बैठ जाएंगे आप। और बात थाट की भी नहीं है, इससे इतने सारे वेरिएशंस बनेंगे कि कई राग आप कर बैठेंगे आपको मालूम तक नहीं पड़ेगा। तो बहुत जबरदस्त रियाज है, बहुत तसल्ली से सुकून से बैठकर इसको कीजिएगा, तानपुरा चलाकर एक एक स्वर देखते हुए समझते हुए। कोई स्वर आपको ना समझ आए तो बजा के चेक करेंगे, अदरवाइज तानपुरे पर इसको रियाज करेंगे। सो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। सो इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा इस चैनल को। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उन सभी के लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, नमस्कार।